हेलो एवरीवन, जय श्री राधे। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो फाइनली आज है मेरे घर में भजन, तो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। हल्दी कुमकुम कर दूंगी और इस तरह से तैयारी कर रही हूँ। आपने सभी से मिला, इतनी मेरी प्यारी प्यारी सखियां हैं सब, और सब इतने सारे लोग मेरे घर में आए थे, सब एक से एक गजब गजब के भजन गा रहे थे। तो बस बीच में मैं उठ के आई, फटाफट से चाय चढ़ाई, क्योंकि सभी लोगों के लिए चाय बनानी ही थी। उसके बाद फिर गई, फिर किया मैंने सभी का हल्दी कुमकुम, और सब ने मेरा हल्दी कुमकुम किया। तो ये सुहाग का होता है, ये ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। तो इस तरह से सभी एक एक बहन के मैंने इस तरह से किया जाके, और आज का मेरा कुछ लुक इस तरह करा। और हाँ, शुरू से मैं वीडियो नहीं बना पाई कुछ कारण से, तो बस यही था। और सुबह से ही सारी तैयारियां चल रही थी, क्योंकि आप सबको पता है कि घर में भजन होता है या कोई भी कार्यक्रम हो तो बहुत कुछ तैयारियां हमें करनी होती हैं। तो प्रसाद वगैरह आपने देखा ही था कि पिछले ब्लॉग में प्रसाद वगैरह पूरा पैक कर लिया था, इतने सारे लोगों का, लगभग 40-50 लोग थे, और सभी मेरे पड़ोसी भी हैं और थोड़ी दूर दूर से भी लोग आए थे। तो इतना ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था, और बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी कि मैं भजन कराऊं। आप देख रहे हैं मेरे गले की आवाज़ भी एकदम ख़राब हो गई, क्योंकि भजन मैंने भी बहुत गाया चिल्ला चिल्ला के, और इतना आनंद आ रहा था। बस ये नवरात्रे माता रानी के इसी तरह निकल जाते हैं, खुशी खुशी 9 दिन कब बीत जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता है। तो माता रानी के 9 दिन एकदम बाहर के आते हैं, मैं बता भी नहीं सकती हूँ कितना आनंद आता है। बस माता रानी की ही कृपा है कि अचानक से मेरा 2 से 3 दिन के अंदर प्रोग्राम फिक्स हुआ, और अचानक से मैंने भजन कर डाले। तो कहते हैं ना कि वर्षों की मेरी इच्छा आज पूरी हुई, कई सालों से कम 7 से 8 सालों से मैं सोच रही थी। I'm
सारी तैयारियां मैंने पहले से ही कर ली थी, इसलिए मुझे कोई भी मुसीबत नहीं हुई इतना सब कुछ मगे मैनेज करने में। और मेरे बच्चों ने ना मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, बच्चे इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे कि बता नहीं सकती हूँ। और सभी सखियाँ मेरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, सभी ने पूरा मेरा साथ दिया भजन गाने और बजाने में, पूरा अच्छे से निपट गया सब कुछ। फिर सबको मैंने प्रसाद दिया, प्रसाद देने के बाद सभी लोग अपने घर गए। पूरे 2-2.5-3 घंटे लगभग पूरा अच्छे से सारे भजन हुए। माता रानी की कृपा इसी तरह बनाए रखें। और बस सभी सखियां गई अपने घर और कुछ लोग रुक गए थे, तो फिर हम लोग कर रहे थे गप्पे और साथ ही साथ यहाँ पर हो रही थी और फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे और इस तरह से कुछ हुई गप्पे अप्पे हुई। तो बस मतलब मौज मस्ती तो चलती रहती है, आप सबको पता है जहाँ 4 लेडीज होंगी तो वहाँ पे गप्पे तो चलेंगी। फिर आई अंदर, फिर देखा फ्री पल्ले में कैसी लग रही हूँ। तो ये साड़ी ना मैंने आज ही नई नई पहनी है और अभी पता है इसका ब्लाउज भी नहीं चला। तो फिर मैंने सोचा कि माता रानी को छुआ के, हमारे यहाँ बोलते हैं नवरात्रि में नई चीज़ों को पहनो तो बहुत शुभ होता है, तो बस मैंने भी सोचा कि चलो इसी को पहन लेती हूँ। मैं इनको इनके साथ थोड़ा मौज मस्ती कर रही थी, उसके बाद चेंज किया जल्दी से और 8-8:30 बज गए थे, थोड़ा रिलैक्स लिया, चाय वाय पी और पतिदेव की ड्यूटी आने वाली थी। और इतना ज़्यादा सुबह से थक गए थे, सुबह से क्या कई दिनों से थक गए थे कि बिल्कुल भी मतलब मन नहीं कर रहा था कि आज मैं खाना बनाऊँ। होता है ना कैसे, मैं 2-4 महीने में एक बार मेरे को ऐसा भाई होता है, और मुझे लगता है हर मेरी प्यारी बहन को जरूर होता होगा कि खाना बनाने का मन नहीं करता। तो पतिदेव बोले चलो आज बाहर से कुछ चाटा पोची करके आते हैं, चटोरपना करके आते हैं। तो हम लोग बस, आपने देखा मैंने इसलिए जीन्स टॉप जल्दी जल्दी डाल लिया कि ये फटाफट से पहन लूंगी, और साड़ी में थोड़ा गाड़ी चलाने में ना प्रॉब्लम होती और रात हो रही थी, तो बट फटाफट रेडी हुए, बच्चों को लिया और चले गए बाहर खाने के लिए। तो आगे का ब्लॉग ना आपको अगले वीडियो में मिलेगा, तो जरूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपना प्यार अपना सपोर्ट जरूर दें। वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, चैनल में न्यू आए सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जा करके जय माता दी लिखना ना भूलिए। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। तो चलिए चलिए फिर मिलूंगी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।